किसी न किसी खबरों की वजह से लाल और हरे हैं, नॉट नेसेसरली ट्रेड में ऐसे ही मूव्स दिखाने, ध्यान रखिएगा। टाटा केमिकल्स नंबर्स कमजोर हैं, लाल रखा। पूना वाला फिनकॉर्प, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, दोनों अच्छे रिजल्ट। स्पंदना स्फूर्ति के नंबर्स अच्छे हैं, हाँ बस क्यू ऑन क्यू प्रोविजनिंग में जो जंप है वो थोड़ा सा एक निगलिंग वाली। बिरला सॉफ्ट अच्छा परफॉर्मेंस है, आय में अच्छा उछाल, मार्जिन्स में भी एक्सपेंशन। जिलेट इंडिया की हाईलाइट, मार्जिन्स 200 बेसिस पॉइंट्स बढ़े। लिंडे के कुछ रेगुलेटरी दिक्कतें और पतंजलि की जीएसटी हीट। वेसुवीएस के रिजल्ट स्ट्रांग है पर स्टॉक बहुत तेजी ऑलरेडी कर चुका है अचानक पिछले कुछ दिनों में, ये ध्यान रखिएगा। और केईसी इंटरनेशनल ने ऑर्डर बैक करा इसीलिए ग्रीन हो गए 10 मंगलवार। ओके, यूको बैंक काफ़ी बढ़िया नतीजे है, एनआईएम में बहुत तेज़ उछाल देखने को मिला और एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है। आरबीएनएल और राइट्स को दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मिले, एक को बांग्लादेश रेलवे से और एक को यहाँ पे सदर्न रेलवे से। कोरोमंडल इंटरनेशनल 1200 करोड़ रुपये खर्च करके काकीनाड़ा में एक नया प्लांट सेटअप करेंगे। एनएमडीसी ने अपने लंपोर के फाइंस के प्राइस बढ़ा दिए हैं। कैनफिन होम्स के नतीजे इनलाइन है और मॉर्गन स्टैनली इसमें ओवरवेट की कॉल दे रहे हैं। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ में भी गोल्डमैन सैक्स की बाय कॉल और टारगेट 1900 रुपए का दिया गया है। अल्ट्राटेक के नतीजों को मार्केट ने बहुत पॉजिटिव लिया है और उसमें 4-5 रिपोर्ट्स आई हैं, 11,500 रुपए तक के टारगेट दिए जा रहे हैं इसमें। पीएनबी हाउसिंग इनलाइन रिजल्ट्स हैं और मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट की कॉल है। जीएससीएल पर दबाव रखिएगा, अगर सोडा ऐश के प्राइसेस में प्रेशर आ रहा है तो इसके ऊपर भी दबाव देखने को मिल सकता है।